बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा उधर उधर की करनाला भर है, इतनी तूफानी बारिश आ रही है। हालांकि सुबह सुबह जब धूप भी अच्छी निकली हुई थी और मैंने कपड़े वगैरह भी धोए, कपड़े मेरे जो है ना सारे कमरे में फैले पड़े, मेरी पत्नी अब कुछ गीले हैं, कुछ सूखे थे, एकदम सी ना बारिश आ गई। लेकिन यह है कि मौसम बहुत अच्छा हो बारिश से। हमारा जो है ना वो सारा गीला हो रहा है, मैं सोच रही हूँ उसको भी धोती बादल गरजे थे और बारिश हुई थी, धूप वापस निकल आई। देखें कितनी प्यारी धूप और धुली हुई, और मुर्गियाँ जो है ना उनको बड़ा मज़ा आ रहा है अच्छे मौसम में। सूरज जो है ना निकल आया धुल के, साफ सुथरा हो गया। ये देखें जी पानी भी काफ़ी जमा हो गया, पानी भी निकालते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये जो कपड़े हैं ना ये भी डालते हैं ताकि कमरा जो है ना साफ़ हो जाए। और मैंने सारी सफाई कर ली थी सारी ना, चलो मैंने कहा सफाई हो जाएगी एक साथ साथ कपड़े भी धुल गए, लेकिन दोबारा से ना खैर घर तो साफ पड़ा हुआ है, सिर्फ फिलाव हुआ पड़ा है, इसको समेटते हैं सारा। कबूतर बैठे हैं सामने, ठंडे मीठे मौसम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि धूप भी बड़ी ठंडी ठंडी और मीठी मीठी लग रही है आज तो। ये देखें कितने मज़े से बैठे हैं, और शायद मैंने आगे कपड़े डाल दिए ना इसकी वजह से कबूतर जो है ना वो रुक गए हैं दाना खाने के लिए। जैसे ही कपड़े खुश्क होंगे मैं वैसे ही उतार दूंगी। यहाँ पे जी मेरा जो कमरा है ना माशाल्लाह वो सारा सिमट गया था, सफाई तो मेरी हुई पड़ी थी, बस थोड़ी सी ना फैलाव आ गया था। और अजान साहब बैठे हैं जी अपने कोने में, आपको पता है वो जैसे बैठते हैं। और मुझे आज थोड़ी सी आपको शॉपिंग भी दिखानी है, तो चलते हैं बाहर। और इधर अजान जो आया था लेट, मैंने इधर यूनिफॉर्म भी इसका भिगो दिया है, और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो बड़ी खूबसूरत है, और मैं वो आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मुर्गा अजान दे दे के पागल हो गए। जो चार पहिया ना ये वाली बारिश से ना बिल्कुल टाइट हो गई है, ऐसे रहते हैं कहीं नहीं, राड़ी जोर से चिपकी। तो शॉपिंग जी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी ये वैसे मैंने आज नहीं की थी क्योंकि आज तो आपको पता है बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, फिर घर में कुछ ज़रा मेहमान भी आए हुए थे, और कुछ मैंने शॉपिंग की है अपनी और कुछ अभी मेरी रहती है वो भी करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँगी टेबल का कवर, उस वाली टेबल का, क्योंकि वो सारा ख़राब सा हो गया, लाइट कलर है तो जल्दी गंदा भी हो जाता है, तो ये भी लाइट कलर। ये इसका बॉर्डर बना हुआ है और ये सेंटर है, ठीक है जी। ये है हमारी टेबल का कवर, ये है जी खूबसूरत सा दस्तरखान जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए थे दाल चावल, जब मैंने ये दाल चावल बनाए थे ये बिछा के ना पैक किया था। अच्छा जी उसके बाद है जी हमारी प्यारी सी टोकरी, कुछ बर्तन है, ये दो चीज़ें मुझे प्यारी ही लगी थी तो मैंने ले ली है, इसमें हम सैलेड चटनी सालन कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी ये अब मैंने कुछ बर्तन भी खरीदे थे, ये है जी प्यारा सा हमारा मग,
चाय पीने का, क्योंकि सर्दी आ रही है। अच्छा, उसके बाद जी है ये एक खूबसूरत सा बाउल, इसमें हम सालन जैसे हम बनाते हैं सब्जियों का सूप, इस तरह की चीज़ें डालेंगे। और यह है जी रायता दान, खूबसूरत सा, इसमें हम रायता भी डाल दें। इसमें हम जैसे दाल चावल बनाते हैं तो इसमें दाल डाल के चावल प्लेट में डाल सकते हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। एक ये मैंने लिए, और ये है जी, ये है जी बाउल, ये कितनी खूबसूरत है। तो ये कुछ मैंने प्लेट्स लिए, ये मुख्तलिफ किस्म की लिए, एक ये लिए, एक ये लिए जी सफेद प्लेट। अच्छा जी, और ये दो प्लेटें लिए जिनको हम ब्लू पोट्री भी कहते हैं। बच्चे कह रहे थे कि इन चीज़ों को ना ऐसे नाम है तो वो बोलते हैं, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ये दो चीज़ें ना ले। तो ये जी थी मेरी आज की शॉपिंग, मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी कर लूँ। इसके बाद करते हैं जी इसको समेट के इन चीज़ों को अगला काम। बारिश की वजह से मेरा जो ये कोना है ना वापस गंदा सा हो गया था, इसको भी हम दोबारा से मिट्टी वाला पेंट करेंगे ताकि जो दीवार है ये सारी एक जैसी हो जाए। फिलहाल ये जो बर्तन है ना सारे मैंने इनको धोया, दोबारा से इनका जो पानी है वो खुश किया है, और इस रेत को अब हम लोग करते हैं साफ, और दोबारा से वापस जो अपने बर्तन है ना वो सारे करते हैं सेट करके फिर आपके साथ करेंगे शेयर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने टेबल का कवर भी चढ़ा दिया था, देखें साफ़ सुथरा बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और इधर ये वाला रेक ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। बस जो इसकी दीवार है ना वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होगी, इसको भी सेट करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी जो चीज़ें सेट कर लिया, बाकी जो प्लेट्स वगैरह थी वो मैंने अंदर कबर्ड में लगा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में शादोबाद रहें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, मैंने शुरू में सलाम नहीं किया था, मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ सलाम भी कर लूं, और वो जो पूरे दिन की रूटीन थी वो भी आपके साथ शेयर की है। और बस जी, जो मेरे देश से परदेश से बहन भैया, अल्लाह पाक उन सबको भी शादोबाद रखे और सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम आमीन। चलो बस 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 देती हूँ, अभी देती हूँ।